हेलो हेलो हेलो, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और वीडियो में। एंड आज हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। देखो मेरे को बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग का बटन भी बस दबा दिया है। मेरे ऐसा अंदर बस नींद भरी है। कोई बस मेरे को बोलते कि जा एंट्री हो, जाके सो जा, मैं सो जाऊंगा। देखो जब मैं छोटा था मैं डोरेमोन देखता था बहुत ज्यादा, एंड उस टाइम पे मैं देखता था ऐसा नोबिता, ऐसा एक सेकंड में सो जाता, तो तब मेरे को डाउट होता था कि यार कोई कैसे मतलब ऐसे सो सकता है। लेकिन अभी मेरा वही हाल है, तुम मेरे को बस बोलो सो जा, मैं ऐसे सो जाऊंगा एकदम से। वो तो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, सोऊंगा नहीं तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगी। है नहीं तो ऐसा 10 मिनट तुम लोग मेरे को सोते हुए देख सकते हो। है अभी देखो रात भी हो गई है, तो परफेक्ट टाइम है सोने का। मेरे को पता नहीं, मैं हर इंट्रो में आजकल ऐसा सोने की बात कर रहा हूँ। मेरे को लगता है तुम लोग वीडियो चला के भी सो ही जाते होगे। ओके लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं अपनी शादी में अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। ले फ्रेंड्स भाई। अबे यार गांव की शादियों में ऐसा होता है, मैं इस भीड़ का हिस्सा बना हूँ एक बारी। तब ऐसा टूट पड़ते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी नेक्स्ट। भाई अभी कुत्ते में भी भाई गुस्सा है भाई, छेड़ कैसे दिया मेरे को है। भाई मेरे पास चप्पल भी नहीं है इतनी चूज करने के लिए। मैं कभी भैया की मांग के जा रहा हूँ, कभी दीदी की मांग के जा रहा हूँ। भाई राम इतनी गरीबी। बट आपने देखा एक उम्र के बाद आदमी यूजुअली वो कहीं भी पाकता है। पहले पता नहीं बिगनिंग में हम लोग इतने कॉन्शियस, एक उम्र के बाद आप में इतने मैच्योर रहते, आपको लगता है कि ये सब मोह माया है। तो जो जवान लोग होते हैं वो सब इतना ध्यान में, फिर बुजुर्ग जो हो जाता ना आदमी, और बेटा आजकल क्या, चलो तो फिर उनको कोई वो रहता नहीं है। सही है भाई, क्या फर्क पड़ता है, सबको आता है। ऐसा कुछ वो तो नहीं है कि हाँ मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। चलो भाई इसी को खत्म करके आते हैं आज। सर क्लास में कोई उल्टी सीधी आवाज नहीं निकालेगा। ले बैक बेंचर्स। सही था भाई। पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एक बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा ऐसे सीधा करते रहेंगे यहाँ पे। इस सब पे मत चाहिएगा, मुस्कुराना हर लड़के की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। भाई यही दिक्कत है लाइफ में, बस ये लड़कियाँ डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं यार। Who did it better? भाई सही है, ये क्या चल रहा है भाई, दुनिया बहुत आगे निकल गई है भाई। ये लड़कियां पानी पूरी देखते कैसे करती है। ये क्या था, लड़के देखो लड़के इस मामले ठीक है, ये पाते साले वहीं लेटे रहते हैं। आप इनसे पूछोगे भाई तूने पाता ऐसे थम्सअप कर देंगे, और इतनी देर में दो बार और पात देते हैं खाली। लड़कियां ऑन द अदर हैंड ये स्मार्ट होती है, ये पाती है जगह छोड़ देती है। जो बंदा अभी तक विक्टिम है ना वो एकदम से पब्लिक नजर में सस्पेक्ट बन जाता है। देखो हम ईमानदार हैं, किया है तो किया है। ए मम्मी जी देखो ना मैंने कितना सारा पसीना बहा दिया। भाई सुसु करके बैठा है वो। सही है भाई, मम्मी को क्या ही पता लगेगा है, मेहनत करी है भाई, उसने पसीना बहाया है। कहाँ से निकला पसीना वो किसको पता। ये सुंदर जब बूढ़ा होगा तभी ऐसा दिखे। अरे दया भाभी कितनी अच्छी टोपी पहनी है आपने मिकी की।
बहन टोपी पहनती है, भाई टोपी पहनाता है। बात बात में देखो दिल की बात निकल ही आती है। सुनो, मैंने वहां ना 500 के नोटों की गड्डी रखी थी और उस पे ना ब्लैक कलर का रबड़ लगाया था, मिली नहीं रही, कब से देख रहा हूँ। ये लो आपका ब्लैक कलर का रबड़, मरी ना जाना कहीं रबड़ के पीछे। अबे 500 की गड्डी में ना। यहाँ पे देखो एक मस्त चीज मिली है, यहाँ पे एक मस्त बाथरूम है, बैठ के कर सकते हो, पीछे से सारे लोग आपका पिछवाड़ा देखेंगे। यूनिक चीज, ओपन एयर बाथरूम भाई, यहाँ पे करता कौन है? अभी कुल्ले में दे दिया है। सही है भाई, रात में कर लो। अबे व्हाट द हेल भाई, वो सीट अलग से निकाल के ले जाना। सही है भाई, लोग नई नई शादी करके जाते ना मियां बीवी, वो बर्फ पड़ी होती तो वही से खेलने लगते, पति उठाएगा बीवी के ऊपर बर्फ फेंक रही हो, क्या दिक्कत। क्या कर रहे हो बर्फ डाल दी सबने। बुजुर्ग लोग ना जो साथ में गए होते बेचारे, वो सिगड़ी ताप रहे होते हैं, उनको पता है इनको ठंड लगेगी, ये तो गर्म हो लेंगे। हमारे पास तो सिगड़ी है बस। पॉइंट है भाई। भाई उसके पीछे लगी। अबे यार सफाई जरूरी है भाई, सफाई कर रहा था वो, ठीक है। क्या फायदा 5G लॉन्च होने का जब तुम्हारा रिप्लाई देने का तरीका ही सुनो। ओ भाई सही में भाई, जल्दी रिप्लाई करो है लड़कियों। इस चांद का मैं क्या करूं, मेरा चांद तो तुम हो। भाई कितनी लड़कियों को भेजा है भाई, एक को भी नहीं भेजा उसने। क्या है भाई ये सैटर्न जुपिटर इतने सारे चांद इसके। भाई अबे यार देखो बच्चों का थोड़ा सा यहाँ से ढीला होता है, उनको नहीं पता लगता दर्द वगैरह, चट करके कर दूं उनको, मारू भी नहीं, रोने लगते हैं फालतू में। टीचर रोल नंबर 15, जाओ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने आए हैं। लेट एन योर ओल्ड मी। भाई सही में भाई, ऐसा लगता था जेल से ऐसा रिहाई हो रही है हमारी। थ्री वेज टू क्लाइंब स्टेयर्स इन शॉर्ट टाइम। ओ भाई कुत्ते ने पूरा ट्यूटोरियल दे दिया। मेरा अलार्म बज गया भाई, ओए सोने का अलार्म मेरा। रुको भी बंद करके आ जाओ। देखो मेरा सोने का अलार्म बज गया है, अभी थोड़ी देर और रुकने वाला हूँ मैं। फिर मैं जा रहा हूँ सोने। अच्छा मैं पहले भोजपुरी फिल्में करती थी। हाँ मेरे एक पिक्चर बहुत बड़ा हिट हुआ था। कौन सा? खिला खिला के पिज्जा छत पे दबोचे जीजा। फिर मेरा एक सलमान भाई, एक तो गोल्डन जुबली हुआ था उधर बिहार में। कौन सी? पति हमारा नल्ला रहा, फिर भी हमारा के दो दो लल्ला रहा। भाई ऐसी पिक्चरों के नाम होते हैं भाई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के दोस्त कपिल शर्मा का। सही है भाई, बिल्कुल सही है। दिल की? पक्का दिल की है, दिल की बात है तो बोल दो। अनन्या आपको पढ़ने का शौक है? हाँ। मेरे साथ निकाह पढ़ लो। आपको लिखने का शौक है? हाँ। अपने नाम के साथ मेरा नाम लिख लो। आपको देखने का शौक है? हाँ।
मेरे साथ जवानी से बुढ़ापा देख लो। ओ, ओ, भाई। और आपको समझने का शौक है? हाँ। इससे बेहतर नहीं मिलेगा, समझ लो। भाई लेके जाएगा। अरे देखो पूरा देखना यार। अच्छा था बट मैं ऐसा लड़कियों को बोल सकता हूँ सेम चीज, किसी को क्या पता लगेगा। हाँ मेरे को एक और बात याद आ गई, एक आदमी किसी के घर में गया, उसने देख लिया कि उस तरफ खीर बन रही है तो पतीले में, तो उसने पूड़ियां दो और खानी थी, उसने दो कम खाई कि था कि खीर भी खानी, जगह होनी चाहिए पेट में। अब जिसने बुलाया था वो खीर ऑफर करनी भूल गया। अब इसको लगे साला पूड़ियां भी दो कम कर दी मैंने, खीर भी नहीं आ रही। तो वो जिनके घर में गया था वो कहती और भैया और सुनाओ कैसे हो, कहता बस क्या बताएं आज बड़ी मुश्किल से बचे जब आपके घर आ रहे थे। कहती कैसे, कहता बस हम रोड पे जा रहे थे और इतनी दूर ट्रक जितना ये आपका खीर वाला पतीला पड़ा था। भाई सही है भाई, देखो ऐसा याद भी तो दिलाना है सामने वाले की हाँ आप कुछ भूल रहे हैं। भाई सही तरीका है भाई, पेट क्या कुछ नहीं करवा दे। तू पैसा पैसा तेरी ओ भाई। अबे अबे यार वीडियो बनाने के चक्कर में पैसे चले जाते अभी। भाई लड़कियों में एक अलग ताकत होती है, बता रहा हूँ मैं, लड़कियों को देख के ऐसा एनर्जी आ जाती है। बट देखो मेरे आसपास कोई लड़की नहीं है तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं आ रही है। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं तुम लोगों को मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जाओ सारे सो जाओ। नहीं तुम्हें सोना नहीं है तो मैं बाकी के वीडियोस देखने, तो मैं चैनल पे जाओ देखो बाकी के वीडियोस। बाय।